प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार स्वागत है। कल हमने चैप्टर 6 पढ़ा था और चैप्टर 6 में अय्यूब उत्तर दे रहा है। अय्यूब उत्तर दे रहा है किसको? अय्यूब उत्तर दे रहा है एलीपज को, और वही उत्तर पूरा जो नहीं हुआ उसे वो चैप्टर 7 में पूरा कर रहा है। इसलिए दो भाग इसके हुए हैं। चैप्टर 7 में लिखा है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बताया गया हूँ और मेरे लिए कलेश से भरी बातें रातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता हूँ तब मैं कहता हूँ मैं कब उठूँगा, और रात लंबी होती जाती है और पाँव फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखा है, जो मुझे अब देखता है, उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं न मिलूंगा। एक पद से लेकर 8 पद तक अभी हमने पढ़ा। अय्यूब अपने दिनों को कोस भी रहा है, लेकिन उसकी बातों में गहरी गहरी आ के साथ साथ कुछ सच्चाई भी है। जैसा कि वो पहले कहता है, क्या मनुष्य पृथ्वी पर मनुष्य को कठिन सेवा नहीं करनी पड़ती है। सच कहा। उसके बाद वो कहता है, जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे और मजदूर अपनी मजदूरी की। मैं समझता हूँ इस बात को। धूप जो है, धूप के अंदर खड़े होकर किसी काम को करना क्या होता है? आप भी मेरी बात का मतलब समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अय्यूब की बात आप अच्छे से समझ सकेंगे कि अय्यूब क्या कहना चाह रहा है। इन सारी बातों में जो जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है, ये उसकी परिस्थिति को बता रहा है, और इस परिस्थितियों में वो अपने आप को कोस रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं किस दर्द के साथ गुजर रहा हूँ। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता। लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। जो अधोलोक में जाएगा उसके बारे में भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया, क्या हुआ उसका, वो भी लोप हो जाएगा, बाहर कभी नहीं आ सकता। 10 पद में, वह उनके घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूँगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूँगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूँगा। जो दर्द हो रहा है ना, उसकी तड़प तो है। कोई भी व्यक्ति का दर्द होता है तो वो उस दर्द के लिए कराहता है, उस दर्द के लिए वो जो है उसके जो उसकी आह निकलती है, चीख निकलती है। मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं चिल्लाऊँगा, मैं बताऊँगा, अय्यूब ऐसा कहता है। एंड इसके बाद 12 पद में लिखा है, क्या मैं समुद्र हूँ या मगरमच्छ हूँ कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे सपने से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और उसका मन उस पर लगाए, और प्रतिभोर को उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे। तो कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं। हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझे को अपना निशाना बनाया है? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ? तो क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। कभी कभी शब्दों से ना किसी के दर्द का एहसास नहीं किया जा सकता। जो घटनाएं और जो परिस्थिति अय्यूब के साथ हो रही है, इस दर्द का उस हद तक एहसास किया जाना मुश्किल है। कभी कभी आपको भी मालूम होगा, जब कहा गया होगा ना कि
मैं अपना दर्द बयान नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना मुसीबत में हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं, आप यू कांट एक्सप्लेन दिस, अयूब भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जो भी कुछ उसके पास शब्द हैं, जो बड़े निराले हैं, उन शब्दों से वह अपने हृदय की बात कह रहा है। हे प्रभु यहोवा, हमारे हृदय की बात तू भली रीति से जानता है। मनुष्य क्या है जो तेरे लिए बड़ी बात हो, लेकिन तू फिर भी हम पर ऐसी दया करता है कि तूने नाम ले लेकर बुलाया है, चुना है, अलग किया है। प्रभु हम धन्यवादित हैं इस बात के लिए। आज की सुबह हम तुझसे मांगते हैं तेरी करुणा हम पर बनी रहे, परिवार पर, बच्चों पर, प्रभु हर एक पर, सुनने वाले भाई बहन के जीवन में तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी योजना के अनुसार होती रहे और इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। प्रभु पूंछ नहीं परंतु शिरोमणि बना, ऊंचा स्तर बना, अच्छा कमाने वाले और अच्छी व्यवस्थाएं करने वाले ठहरे। मसीह यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता हूँ प्रार्थना में, आमीन। आमीन। बी ब्लस्ड। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत करे, बलवंत करे, उसकी मर्जी आपके लिए पूरी हो। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।